हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड में सुमित एंड यू आर वाचिंग लोकल फिल्म मेकर। इन टुडेस वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू डू वीडियो एडिटिंग इन मोबाइल और यू कैन इजीली लर्न हाउ टू बिकम अ प्रो इन वीडियो एडिटिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, इन टुडे वीडियो एडिटिंग बेसिक आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इन 5 पॉइंट एंड दैट 5 पॉइंट इट्स फर्स्ट पॉइंट वी विल लर्न what is timeline and how to add a video in your timeline, or in a few seconds I will tell you what is timeline. In second point we will learn how to add a music in your video or in a photo, or in third we will learn how to add a text in your video or how to trim your video. अगर आपकी कोई वीडियो गलत शूट हो गई है या फिर ज़्यादा पार्ट आ गया है तो उसे कैसे कट करना है और कैसे टेक्स्ट लिखना है आपके वीडियो में, और ये हम कवर करेंगे थर्ड पॉइंट। सो इन अ फोर्थ पॉइंट वी विल लर्न हाउ टू ऐड अ ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, जैसे कि आप एक फुटेज है आपको दूसरी फुटेज पे जंप करना होती है उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल लर्न हाउ टू सेव अ वीडियो जो आपने एडिट कर ली है वो गैलरी में कैसे सेव करनी है, ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। तो बढ़ते हैं एडिटिंग की तरफ। तो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको काइनमास्टर डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लेकिन जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो जब आप डाउनलोड करोगे तो उस पर वाटर मार्क आएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जैसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा रेशियो कि हम कौन से रेशियो में वीडियो एडिट करना चाहते हैं। जैसे कि ये 16:9 है, तो ये जो स्टैंड करता है ये करता है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और जैसे ये दूसरा है 19:16, ठीक है, तो ये जैसे इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो अगर आपको एडिट करनी है तो ये उसके लिए काम आता है। और ये 1:1, जैसे कि आपको कोई फेसबुक ऐड या फिर इंस्टाग्राम ऐड के लिए भी कोई वीडियो एडिट करनी है, जैसे कि अब तो हमें यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करनी है, ठीक, तो हम 16:9 पे क्लिक करें। जैसे कि आप ये इंटरफेस देख पा रहे हो, तो जब आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से तो यहाँ पे आपको काइनमास्टर लिखा आएगा, तो वो उसका वाटर मार्क है काइनमास्टर का, ठीक है। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे उसे कोई भी वीडियो एडिट करने के बाद, तो वो काइनमास्टर लिखा आएगा जी, जो प्रोफेशनल नहीं लगता कोई भी वीडियो में, तो आपको वो हटाना पड़ेगा। नहीं हटाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो बनानी है तो आपको हटाना पड़ेगा। और वो हटाने के लिए आप कोई यूट्यूब वीडियो बहुत सारी मिल रही हैं आपको, आप देख सकते हो। अगर ना मिले, इनकेस आपको कोई हेल्प ना मिल पाए यूट्यूब वीडियो से किसी से, तो आप कमेंट में मेरे को बता देना, तो मैं आपको आपका सॉल्यूशन दे दूंगा कि आप रिमार्क कैसे हटाना है। लेट्स गो ऑन आवर फर्स्ट पॉइंट। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि टाइमलाइन क्या होता है। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, टाइमलाइन पे जहाँ पे अपनी वीडियो आप ऐड करते हो एडिट करने के लिए, ठीक है, उसे हम टाइमलाइन कहते हैं। जैसे कि मैं कोई वीडियो ऐड करता हूँ, जैसे कि ठीक, तो मैंने ये वीडियो ऐड करी, अब जहाँ पे ये ऐड हुई है उसको हम कहते हैं टाइमलाइन, समझ रहे हो आप, तो इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। ये वीडियो देखिए पहले, तो गाइस जो आपने अभी वीडियो देखी वो मैंने मोबाइल से ही शूट करी है और मोबाइल से ही एडिट करी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से कोई वीडियो एडिट नहीं कर सकते या फिर फोटो एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप ही वीडियो एडिट करते हैं और कैसे शूट करते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉम्पोजिशंस, ठीक है। तो आप ऐसा फील ना करें कि आप पे अच्छा कैमरा नहीं है तो आप वीडियो शूट नहीं कर सकते अच्छी। तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो शूट करी है और जितनी भी वीडियो एडिट करी है, चाहे वो कवर सॉन्ग शूट हो चाहे कोई शॉर्ट फिल्म हो, और जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई वो एक शूज़ ऐड की वीडियो है, तो ये जितनी भी मैंने फ़ोटो या वीडियो जितनी भी एडिट करी हैं, शूट करी हैं, सब मैंने मोबाइल से ही करी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके DSLR नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। लेट्स गो ऑन सेकेंड पॉइंट। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें अपनी वीडियो में सॉन्ग कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडियो का बटन दिख रहा है यहाँ पे, ऑडियो पे क्लिक करना है, और आपको जोन सा, जैसे कि आपको कोई अगर अपने डाउनलोड जो आपने कर रखे हैं सॉन्ग उसको लगाना है, तो आप म्यूज़िक के आइकन के नीचे फोल्डर का बटन देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स पे जाना है, जो सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद उसके बटन पर क्लिक कर लेना, तो ये म्यूज़िक ऐड हो जाएगा आपके वीडियो में। और यहाँ पे राइट क्लिक दबाना तो आप उसी इंटरफेस पे पहुँच जाओगे। आप इंटरफेस आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर प्ले करूँगा तो ये देखो उसकी वीडियो की ऑडियो चल रही है। अगर आपको उस ऑडियो को बंद करना है तो वीडियो पे क्लिक करना,
साउंड के बटन पे जाना और यहाँ पे इसे ऑफ़ कर देना, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अब जो आपने ऑडियो लगाई है उस वो ऑडियो अब चलेगी, ठीक है। आप देखो है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था जिसे हमें कवर करना। अगर आपको वॉल्यूम अगर कम या फिर बढ़ानी है तो आप ऑडियो पे क्लिक करना, ऑडियो के क्लिक करने के बाद इसी पे क्लिक करना और यहाँ से आप बढ़ा लेना या फिर घटा लेना, ठीक है। वो आप अपनी वीडियो के उससे देख के कि अगर आपको कम करनी है तो आप 30 बेसिक रख लेना, अगर आपको बढ़ानी है तो आप 100 भी कर सकते हो, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 200 है, ठीक। तो लेट्स गो on our third point. So guys, our third point is how to trim a video or how to add a text in your video, ठीक है। तो trim का मतलब आपकी, अगर आप video या फिर audio को भी cut करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। trim का मतलब काटना, ठीक है, trim करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक ये आगे का part नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, तो जहाँ तक आप नहीं चाहते scroll ऐसे कर सकते हो। तो जैसे कि आपको कोई video cut करनी है, trim करनी है, तो उस पर क्लिक करना, तो आपको ये सीजर का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, बटन पे क्लिक करना सीजर के बटन पे, और यहाँ पे आप पहला ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, स्प्लिट एज प्ले हेड, तो आपको अगर कट करना है आगे से जितने भी, ठीक है, जितनी भी अगर आपको वीडियो काटनी है तो पहले बटन पे क्लिक करना, ठीक, तो ये कट हो जाएगी। अब ये यहीं से स्टार्ट हो गया, वो पीछे का कट हो गया, समझ रहे हो। और अगर आपको बीच में से अगर वीडियो काटनी है, जैसे कि इस पर हाफ करना है, ठीक है, तो स्प्लिट हेड प्ले हेड ये बीच में से कट हो जाएगा, समझ रहा। इसका यूज़ क्या है मैं अभी अभी बताऊंगा ट्रांजेक्शन वाली पार्ट में, ठीक है। इससे हम ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। आपको ट्रिम पता चल गया, अब हम सीखते हैं कि आपकी वीडियो में टेक्स्ट कैसे डालना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे लिखना है ब्रांडेड शूज़ लिखना है, ठीक है, तो आपको लेयर यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना और टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, ब्रांड, जैसे ब्रांडेड शूज़, ओके। और अब यहाँ से आप इसको साइज़ इंक्रीज कर लो इसका, ठीक। अब आपको अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे वाइट वाला देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना, रेड रखना चाहो रेड रख लो, ठीक है, वो आपकी च्वाइस है कैसे रखना, ठीक है। अब इन एनिमेशन मतलब क्या होता है, ये अगर टेक्स्ट आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है, तो इन एनिमेशन पे क्लिक करना। अगर आप चाहते हो कि ये राइट लेफ्ट से राइट में आए, ऐसे लेफ्ट से राइट में आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्लाइड राइट, मतलब ये स्लाइड राइट कर रहा है, लेफ्ट तो ये इधर से आएगा, ठीक है, तो आपको स्लाइड राइट से करना है। अगर आपको चाहिए कि टाइप करते हुए आए, कोई भी वर्ड आए टाइप करते हुए, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर बाय लेटर, इस पर क्लिक करना, तो ये लेटर बाय लेटर पे वैसे ही आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक, तो जैसे कि आप देख सकते हो टेक्स्ट जो है वो ऐड हो गया, आप चाहते हो यहाँ तक यहाँ से आए, ठीक है, तो इस पर इसको पकड़े रहना, जो आपका टेक्स्ट है वो यहीं से आएगा, ठीक है, तो इसको ऐसे करना, ठीक है। अगर मैं शुरू से चलाता हूँ तो देखो अब वो टेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिम करना सिखाया, अभी ट्रिम कैसे करना है, ठीक है, सोचो अब आपको यहाँ पे ट्रिम करना है, तो जिसको ट्रिम करना है उस पर क्लिक करना, सीजर के बटन पे जाना, अब आपको पीछे से हटाना है ना, पीछे से हटाना, तो इस पर क्लिक करना, अभी पीछे का पार्ट हट गया। Let's move on our fourth point. तो guys, our fourth point is how to add transitions. देखो transitions का मतलब क्या होता है, transitions का मतलब जैसे कि एक ये footage हो गई है, ठीक, और एक ये footage हो गई, तो अब इसके बीच में जैसे ये जा रहा है, ठीक, ये दूसरे पे footage, दूसरे footage पे जब जा रहा है तो हम चाहते हैं कि बीच में transitions add हो, ठीक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। transition का मतलब मैं बताता हूँ, देखो 3D transitions, जब ये इस पर जाए, ठीक, तो आपको देखो अगर मैं बहुत सारे यहाँ पे इस, जैसे कि मैं चेकर फ्लिप पे क्लिक करता हूँ, ठीक, तो ये ट्रांजेक्शन, इसका मतलब होता है ट्रांजेक्शन, जैसे कि अब मैं वीडियो चलाऊँगा तो देखो
एक ट्रांजेक्शन आ गया। अब ये क्या काम करता है, ये आपकी वीडियो में ना और प्रोफेशनलिज्म लाता है। और आप अगर आप डालना चाहते हो यहाँ पे बीच में यहाँ पे डालना चाहते हो तो वीडियो पे क्लिक करके सीजर पे जाना और स्प्लिट एट प्ले हेड बीच में कट कर लेना, तो ये आप पे आ गया। इस पर क्लिक करना। अब कोई भी ट्रांजेक्शन आप लगाना चाहते हो, जैसे क्लासिक ट्रांजेक्शन, जैसे क्रॉस फेड, ठीक। तो अब जैसे आप वीडियो देखो, ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करता है। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन डालते हो तो एक प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करता है। लास्ट पॉइंट पे बट नॉट द लीस्ट, तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट है, अगर अब आपने वीडियो तो एडिट कर ली, आपने वीडियो एडिट कर ली, अब इसको सेव कैसे करोगे गैलरी में। अब यहाँ पे शेयर का बटन देख सकते हो, शेयर का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना। आप यहाँ पे एक इंटरफेस पे पहुँच जाओगे जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड शेयर का बटन है, ठीक है, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट दिख रहा है, एक्सपोर्ट कर लेना, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये पूरा देखो, अब ये एक्सपोर्ट होगी और ये आपको काम में लेके। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यस सो गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो। इफ यू वांट टू सी दिस टाइप ऑफ प्रोफेशनल कंटेंट, सो लेट मी नो इन कमेंट कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे देखना चाहोगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू क्रिएटिविटी लेके।